सात मैच, छह हार और एक जीत। या ये हाल है अब फार वेस्ट यूनाइटेड का इस मैच के बाद। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि फार वेस्ट यूनाइटेड अब सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। जी आप टेक्निकली कहें तो भी, और अगर खुद से कहें कि मैचेस जीत कर पहुंचे तो भी, कितने मैचेस बचे रही हैं। अगर वो अपने बचे हुए सारे मैचेस जीत जाते हैं तो भी वो नेटेंड में बहुत पीछे रह जाएंगे, और सेमीफाइनल में जो प्लेयर टीम्स हैं वो उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। तो फार वेस्ट यूनाइटेड का सफर जो है वो यहाँ पर ख़त्म जरूर हुआ है। लेकिन इस मैच की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें यार, तो फार वेस्ट यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की है और यहाँ पर कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है लोकल प्लेयर्स की तरफ से, उसकी बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले फार वेस्ट का हाल फेस बाय फेस। नहीं, पहले फेस की बात करें तो 76 रन यहाँ पर फार वेस्ट ने बनाए 10 ओवर में, और एक विकेट का नुकसान उन्हें हुआ। काफी अच्छा खेले पहले हाफ में, अगर आप देखें स्कोर भी काफी अच्छा बना अगर हम पहले हाफ को देखें। लेकिन उसके बाद दूसरे हाफ में बहुत ज़्यादा विकेट ज़रूर गंवाए हैं। जी हाँ, 80 रन टीम ने बनाए ज़रूर और 8 विकेट यहाँ पर टीम ने गंवाए हैं बहुत तेज़ी से। आपको ज़रूर बताएंगे कि एक तरफ अच्छी पार्टनरशिप ज़रूर हुई, लेकिन उसका फ़ायदा जो नीचे के प्लेयर्स हैं या मिडिल ऑर्डर, थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर की बात करें या लोअर ऑर्डर की बात करें, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। और 156 पे 9 20 ओवर के बाद, जिसमें कि 53 डॉट बॉलें भी शामिल। बिल्कुल, तो 53 डॉट बॉल्स के साथ ये इनिंग आई है, जो भी टोटल स्कोर बना है यहाँ पर। फेस बाय फेस की बात हमने की, पहला फेस शानदार गया जहाँ पर सिर्फ एक विकेट गवाया टीम ने और 7.5 के रन से लगभग रन बनाए, और जिसमें बहुत बड़ा हाथ था विनोद भंडारी जी हाँ, जिनसे आज ओपनिंग कराई गई, और हसमतुल्ला सईद, यही पर वो पार्टनरशिप हुई जिनकी वजह से फर्स्ट हाफ काफी शानदार लग रहा था। लग रहा था कि फार वेस्ट जो है एक बेहतर नोट पर, एक बहुत अच्छे स्कोर पर कहीं ना कहीं खत्म करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन सेकेंड हाफ में एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है पूरी तरह से कोलैप्स हुए, लोअर ऑर्डर में इतना खास चला नहीं, करण किसी के किस के अलावा कुछ भी ऐसा कंट्रीब्यूशन मिला नहीं। ये फेस में आपको बैटिंग ज्यादा खराब नजर आई या फिर आपको लगा कि नहीं बॉलिंग काफी बेहतर हुई है? नहीं, जरूर देखिए, इतनी भी खराब नहीं कि आप बॉलिंग को इतना ज्यादा क्रेडिट दे दें। यहाँ पर बैटिंग बहुत ज्यादा पुअर हुई है, आप कहेंगे स्टार्ट थोड़ा मिला है, ऐसा नहीं। आप उमेर अली को देखेंगे तो उनको भी 10 प्लस का स्टार्ट, 16 मिलिंदा सिरवंदना गया 14, देख लीजिए आप, तो यहाँ पर स्टार्ट जरूर मिला है सिरवंदना को भी और उमेर को भी, और भीम शार की वो तो खैर फायदा ही नहीं उठा पाए, वो भी आउट हो गए आज। तो यही जो प्लेयर्स है इनको यहाँ पर स्कोर करने की जरूरत थी, तो ये स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है, 170 तक जा सकता था जैसे कि शुरुआत हुई थी। आप 10 ओवर में 76 पे 1 थे, तो इतना आप नहीं देखते कि 156 पे 9 विकेट हो जाए, ये बहुत ज्यादा टर्न अराउंड हो जाता है। लेकिन ये याद रखिए कि हम नेपाल T20 लीग में, ये बात याद रखने की जरूरत है, यहाँ पर 130-140 का स्कोर भी बहुत सारा ट्रिकी और इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। बिल्कुल, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अब बॉल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें हैं, तो वहां से कंट्रीब्यूशन किन किन बॉल्स की तरफ से रहा है और किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है अगर हम देखें, और सबसे इंप्रेसिव फिर भी आपको उनमें से कौन से बॉलर कर पाए? जरूर देखिए, बॉलिंग में तो साहब आलम ने भी 3 विकेट लिए, पर रन बहुत ज्यादा दिए उन्होंने आज, 40 प्लस रन उनके, 43 रन उनके बॉलिंग से निकले, बहुत खराब बॉलिंग आज उनकी हुई। और साथ ही साथ दो बॉलर की काफी अच्छी बॉलिंग हुई, कियान जोसेफ जिनकी तारीफ रोहित पटेल ने भी की, 2 विकेट उन्होंने निकाला 4 ओवर में 25 रन, राज नंदन ने भी 4 ओवर में 15 रन 1 विकेट उन्होंने भी निकाला, काफी अच्छा कर रहे हैं। जब से वो आए हैं टीम के लिए काफी इकोनॉमिकल है और विकेट भी निकाल के दे रहे हैं, तो वो एक ऑप्शन काफी बेटर है यहाँ पर, काफी अच्छा कर रहे हैं विराट कोहली के लिए। लेकिन उनके साथ आज रोहित पटेल ने भी इंटरेस्टिंगली देखे तो 1 ओवर उन्होंने डाला, 1 विकेट उन्होंने भी मिला, पर हुसैन तलत वगैरह कोई भी इतने खास आज, नंदन यादव को ओवर नहीं मिले, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अजीब लगता है, आखिर बॉलर्स को पूरे ओवर नहीं मिल रहा है। अच्छा किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हैं वो इस टूर्नामेंट में, पर आज ओवर ना मिलना ये समस्या पर है कि अजीब है कि आप पहुंचे भी नहीं है जो आप उनको रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर एक ओवर मिलना एक बॉलर को, ये हमेशा इस नेपाल T20 लीग में देखा जा रहा है। फिर से इस चीज को डेली क्रिकेट उठाएगा कि ओवर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं आखिर पूरे बॉलर्स को, ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई जवाब देगा तो बेहतर हो। बिल्कुल क्लियर है, ये बहुत बार देख रहे हैं हम लगातार, और हर टीम की तरफ से देखने को मिला है कि स्पेसिफिक प्योर बॉलर को आप पूरे ओवर क्यों नहीं देते, आप बैठाकर इस चीज को समझते क्यों नहीं है। मैं डेफिनेटली नेपाल के क्रिकेट के लिए कहूंगा कि नेपाल T20 लीग में जो भी यहाँ पर आप बहुत लाइटली चीजों को ले रहे हैं, कम से कम बॉलर्स को पूरे ओवर देने की कोशिश करिए। इससे आप अगर बेसिक चीजें को नहीं समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे तो नेशनल टीम में भी आप शायद यही प्रॉब्लम को आगे जाकर फेस करते जा सकते हैं। ये समझ नहीं आता कि आप आखिर प्योर बॉलर्स को पूरे ओवर देने से खतरा
क्यों रहे हैं बाकी टीम्स की मैं यहाँ पर बात करूँ। सिर्फ बचने निकलना या टाइम का आसान के लिए किसी को भी करा देना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अगर और ये दिक्कत हमें सेकंड फेज में फार वेस्ट यूनाइटेड जब बॉलिंग करा रही थी तब भी ये चीज़ देखने को मिली, उस पर भी जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ जब चेस करने के लिए आई तब विराट नगर सुपर किंग्स का फेस बाय फेस किस तरह से भारी पड़ा फार वेस्ट पे। नहीं जरूर, बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई, 81 रन टीम ने बनाए, 81 रन और 2 विकेट टीम ने यहाँ जरूर गवाए, पर रन आपने बहुत अच्छे कर लिए। ये अच्छी बात है कि आपने 10 ओवर में 81 रन बना दिए उनसे बेहतर रन रेट के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम देखें तो 77 रन टीम ने बनाए सेकंड फेज पे और 2 विकेट, बहुत ही कम विकेट यहाँ पर गवाए हैं, जो कि एक प्लेयर को यहाँ बहुत बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए। और 44 डॉट बॉल यहाँ पर खेली और 3 बॉलें रहते हुए टीम जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर अगर बैटिंग कंट्रीब्यूशन की बात करते हो, जैसे फेस बाय फेस आपने देखा दोनों ही फेस में काफी बुरी तरह यहाँ पर मात दी फार वेस्ट को विराट नगर सुपर किंग्स ने। अब यहाँ पर बात करें गुरांशु शर्मा जी, हाँ वो काफी जब वो आए थे तो शुरू में वो काफी ज्यादा ऑफ थे, बिल्कुल उनके बड़े रन नहीं निकल रहे थे, एक आधे इनिंग आए और फिर से लगता है वो शेल में चले गए और फिर से उनका खराब परफॉर्मेंस जारी है। लेकिन उसके बाद बात करें प्रदीप एरी जी, हाँ फाइनली उन्हें आज ऊपर भेजा गया और एज अ ओपनिंग वो आए, जो मेरे ख्याल से एक आध बार वो फ्रस्ट्रेशन दिखा भी चुके थे और आज वो उन्हें ओपनिंग भेजा गया और उन्होंने तेज तर्रार इनिंग यहाँ पर खेल दी है। और उसके बाद रोहित पुड़ैल की जो इनिंग रही है यार उस बात जरूर करेंगे, लेकिन प्रदीप एरी की इनिंग कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रही है खास करके स्ट्राइक रेट को देखते हुए। नहीं जरूर, आप चेस कर रहे हैं तो आप दो ही चीजें, अब चेसिंग में तो खैर दो चीजें अच्छी होती है अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप स्लो स्टार्ट हुआ है तो आप कोशिश करें कि एंड तक जाए जी, ये बहुत बेहतर होता है चेस में कि एक तरीका चलिए आपने स्लो स्टार्ट किया आप एंड तक गए। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यही है कि आप 20-25 बॉलों में 40-45 रन मार दे जो आज इन्होंने किया, पहले एग्जैक्टली यही किया है। दूसरा तरीका यही है कि आप अगर तेज खेल रहे हैं तो ऐसा खेल कर दिखाइए कि गेम एक तरफा हो जाए जी, ऐसा खेलिए मत कि हाँ आपने 2 छक्के मार दिए और आप आउट हो गए, ये भी कोई गेम नहीं हुआ। इतनी दमखम आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उस गेम को पार कर सकते हैं या नहीं, बना सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते बना सकते हैं या फिर जी। और या फिर एक और ऑप्शन है कि अगर आप बॉल ले भी रहे हैं तो ये मेक श्योर करिए कि आप गेम को फिनिश कर जाएंगे और लास्ट तक कहीं ना कहीं जाएंगे इस इनिंग को कंप्लीट करने में। वहीं रोहित पुड़ैल की इस इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं यार, काफी बेहतर इनिंग रही है, खास करके जो स्ट्रेट का 6 था वो लाजवाब था, देखने में कम से कम मजा जरूर आया। लेकिन ओवरऑल इस इनिंग को आप किस तरह देखते हैं, कैप्टन से इनिंग रही है अंडर प्रेशर, तो मैं इतना प्रेशर में नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत अच्छा उनका प्रेशर रिलीज कर रहे हैं दूसरी साइड से, लेकिन फिर भी एक बहुत बेहतरीन इनिंग आई है और आप कह सकते हैं क्योंकि उनके आउट होने के बाद फिर थोड़ा सा हड़बड़ा सी गई थी टीम। नहीं जरूर, और उसके बाद यहाँ पर उनकी जो इनिंग रही है वो बहुत, तभी कहा हमने कि जो फेस रहा है दूसरा, यहाँ पर विकेट गिर सकते थे, बिल्कुल गिर सकते थे एक तरफ से, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर यहाँ पर बॉलें काफी खेली, उन्होंने देखिए 42 बॉलें उन्होंने खेली, तो अपने पास भी उन्होंने काफी स्ट्राइक रखी है, ऐसा नहीं है कि खाली दूसरों को दे दी स्ट्राइक, उन्होंने खुद रखा, खुद रन भी किए काफी, 60 रन की पारी उनकी रही, 4 चौके 2 छक्के और पूरे बल्ले पे बॉलें आ रही थी और डबल से वो इतनी खूबी से भाग रहे थे, तेजी से भाग रहे थे कि सामने वाले बॉलर्स फील्डर्स सब परेशान है। खैर वो जाने भी इसलिए जाते हैं डबल सिंगल को डबल करने के लिए, और बाउंड्री जो उन्होंने कवर पर लगाया चौका, शानदार चौका था वो, जो उन्होंने एकदम खड़े होकर सीधा कवर एरिया के एक्स्ट्रा कवर और कवर एरिया की तरफ से निकाला, बेहतरीन चौका था वो, छक्के तो खैर उन्होंने जो स्लॉक्स से मारा बैठ कर, बहुत ही अच्छी इनिंग रही है आज उनकी, बस आप ऐसे ही खेलते रहिए और टीम को जिताते रहिए। बिल्कुल, तो उसके बाद असल की बात करें तो उनके बल्ले 17 रन जरूर निकले, लेकिन यहाँ पर एंड पृथ्वी बास्कोटा की जो छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग रही है 17 रन की, वो भी कहीं ना कहीं अगर आप इस जीत के लिहाज से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पर अगर एक आध विकेट और गिर जाता तो शायद मामला ट्रिकी हो सकता था, आप कह नहीं सकते इस तरह के चेस में मामला ट्रिकी हो जाता है, लेकिन बड़ी थोड़ी स्लो रही है लेकिन फिर भी इफेक्टिव रही है, जैसे हमने कहा अगर आप स्लो गए भी है कोई बात नहीं, आपने एंड में मैच जिता दिया ये इंपॉर्टेंट जरूर हो जाता है, और पृथ्वी बास्कोटा ने कहीं ना कहीं वही किया। तो ये बैटिंग का हाल रहा, रोहित और प्रदीप ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमर तोड़ दी फार वेस्ट की, एंड यहां पर भी हमें बॉलिंग में वो देखने को मिला है, कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो मुझे लगता है कि पूरे ओवर डिजर्व करते थे लेकिन उन्हें मिला नहीं। जरूर, आप देखिए प्रकाश जैसी 3 ओवर में उनके एक मेडन है 19 रन, बिल्कुल अब इनका एक ओवर कहां चला गया, इनका एक ओवर कहां गया। राशिद खान 2 ओवर में उन्होंने 19 रन दिए तो आपने बाहर निकाल दिया उन्हें, आपने उमेर अली को ओवर दे दिए और किसी को उठाकर ओवर दे दिया आपने, करण केसी के बिल्कुल सही, आप उनको 4-4 ओवर देते रहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितना भी मार खाए 100 रन भी दे दे कोई डाउट नहीं है इसमें, उनको 4 ओवर मिलने ही मिलने चाहिए। लेकिन आप क्या अदर बॉलर के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, ये चीजें हैं। नूर अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है पर थोड़ा
थोड़े से आज और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट नहीं निकाल बस यही प्रॉब्लम है आप चेजिंग में तो यही आपको चेज में यही चाहिए आपको क्या चाहिए T20 क्रिकेट माफ कीजिएगा डिफेंड करने में आपको क्या चाहिए 10 विकेट चाहिए क्योंकि आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं डॉट बॉल से तो यहाँ कोई फायदा नहीं होगा कोई प्लेयर जमा हुआ है तो आखिर आप उसे बॉल रुकवा नहीं सकते आपको आउट ही करना होगा जो आप कर नहीं पाए बिल्कुल क्लियर कट है डॉट बॉल्स का फायदा तभी होगा जब एट द एंड जाकर आप इतना प्रेशर बना दें कि वो जब हिटिंग करने के लिए जाए तो उसमें रन रेट है वो इतना ज्यादा हाई हो जाए डॉट बॉल्स आप कब तक लेंगे कब तक आप कर सकते हैं आपके पास सिर्फ 4 ओवर का ही कोटा है वो आपके 4 ओवर निकल गए उसमें उन्होंने 12-15 रन मार दिए उन्होंने लगा चलिए रिस्क कर गया अब बाकी जो जो सॉफ्ट टारगेट ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई किसी टीम के पास पांचों के बॉलर इतने जबरदस्त हो कि रन ही ना दे एक आप तो ऐसे होते हैं जिनपे सारा रन रेट निकल जाता है तो आप कितने डॉट बॉल देंगे आपके पास लिमिट तो सिर्फ 4 ओवर का है इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप डॉट के साथ साथ विकेट्स भी निकालें खास करके जब आप डिफेंड कर रहे हैं और खास करके 150-160 का टारगेट जो है जहां पर बल्ले पे गेंद बहुत अच्छे से आ रही है तो ये हाल रहा इस मैच का और यहां पर बात करें विराट नगर सुपर किंग्स अभी भी पूरी तरह से रेस में बनी हुई है जीत के साथ और फार वेस्ट के लिए लगभग रास्ते यहां पर पूरी तरह से बंद हो गए सेमीफाइनल की बात करें फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें एक तो पहुंच गई है बाकी कौन सी 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच सकती है राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा बाकी कम्युनिटी आप चेक करना मत भूलिए बाय बाय